ZNB Music presents. ZNB Music presents. उस राजा नल ने ओरे भाई चौपड़ सार बिछाई। राजा नल ने खुद अपनी बर्बादी का सामान महल में बिछा दिया। लिखा, और जिसको देता परमेश्वर हो उसकी सफल कमाई, और जिसको देता परमेश्वर हो उसकी सफल कमाई। राजा नल ने चौपड़ सार बिछाई, और जिसको देता परमेश्वर हो उसकी सफल कमाई, जिसको देता परमेश्वर हो उसकी सफल कमाई। ये बात कहते हैं कि वक्त के आगे सब हार जाते हैं। ना इंसान बुरा होता है, ना कोई दोस्त बुरा होता है, बुरा होता है तो समय बुरा होता है। राजा नल ने पासे बिछा लिए। इंद्र भगवान इस सारे कर्म को देख रहे थे, क्योंकि इंद्र भगवान खुद राजी नहीं थे। वैसे हमारे ग्रंथ बताते हैं कि राजा नल इंद्र की संतान थी। आइए, पहली कली में दादा लक्ष्मीचंद ने कहां से लिखा, कहां बताया। युग आड़े छलेगी के बेरा था, के बेरा था पासे बन जा फांसी अपने गाड़े की, के बेरा था पासे बन जा फांसी अपने गाड़े की। हो पीड़ा पड़ गया चेहरा एकदम आस रही न पले की, सारे शहर में डांडी पिटकी हार थी राजा नल की, सारे शहर में डांडी पिटकी हार थी राजा नल की। और नौकर चाकर सतपुरुषिये, नौकर चाकर सतपुरुषिये भाई देते प्रेम दुहाई, और किसको देता परमेश्वर हो वो उसकी सफल कमाई, किसको देता बुद्धि भ्रष्ट हुई नल की सर में चक्कर सा हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हुई नल की सर में चक्कर सा हो गया। और रानी बांधी सबने मोटा घना फिकर सा हो गया, राजा नल की हार होने का शहर में जिक्र हो गया, राजा नल की हार होने का शहर में जिक्र हो गया। और दमयंती की एक सुनी नारे, दमयंती की एक सुनी नारे कई बार कहने आई, जिसको देता परमेश्वर हो वो उसकी सफल कमाई, जिसको देता परमेश्वर हो कमाई।
राजा नल का हाल देखकर दमयंती कई बार वहां आई और बार बार इशारों में अपने पति को समझाया, लेकिन आज भी मेरे बुजुर्ग कहते हैं जब सर पर शनि आवास असवार हो जाता है कोई किसी की नहीं मानता। राजा नल ने नहीं सुनी और दमयंती को बार बार उस कक्ष से बाहर फेंक दिया। रानी बांदी सबको फिक्र होने लगी क्योंकि सभी जानते थे कि आज कुछ ना कुछ अब शकुन होने वाला है। आइए इस ऐतिहासिक रागनी पर श्याम परिवार खेड़ की दौला, उनकी तरफ से 1100 रुपए का सम्मान आता है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली उनके लिए हो जानी चाहिए। कई बार मुझे मौका मिलता है बाबा जी की सेवा करने का, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सुनेंगे तीसरी कली में ये लिख दिया ये बताया। चलो कहेंगे राजा नल से तेरी शरण आए से, ओ चलो कहेंगे राजा नल से तेरी शरण आए से। और हलकार तू जाके कह दे कति मरण आए से, राज के हित में सारे मिलके जुआ बंद करण आए से, राज के हित में सारे मिलके जुआ बंद करण आए से। हो 15 दिन हो गए रे खेलते, हो 15 दिन हो गए खेलते, 15 दिन हो गए खेलते, आई सब धन माया जितवाई, किसने देता परमेश्वर हो वो उसकी सफल कमाई, जिसने देता परमेश्वर हो उसकी सफल कमाई। ओ भाई अरे उस्ताद जो भाई मानो जो यहां से पार्षद है उनकी तरफ से पहले भी कई 1000 रुपए का सम्मान आया है, एडवांस में जमा करा गए हैं मेरे पास। मैं बोलता हूं 501 रुपए और मेरी शरागनी पर देते हैं। मैं आपका तहे दिल से बार बार धन्यवाद करता हूं, बार बार धन्यवाद। आदरणीय नरेंद्र नंबरदार जी, जी हाँ आदरणीय नरेंद्र नंबरदार जी, उनकी तरफ से भी 1100 रुपए का सम्मान मेरी शरागनी पर आया है, मैं उनका भी बार बार धन्यवाद करूंगा। सरदारों चौथी कली में दादा लक्ष्मी चंद ने लिख दिया क्या रोने लगे वो हंस जो राजा नल की सपोर्ट करने के लिए दमयंती के स्वयंवर में गए थे। रोने लगे वो हलकारे वो नौकर जो वहां काम करते थे, रोने लगी वो बांदी और दमयंती का तो और बुरा हाल हो गया। चौथी कली में हाल क्या लिख दिया क्या बता। रोन तभी हो दमयंती लगी रोन तभी, राज भी जीत गया सारा, काने तीन पड़े नल की हुई पुष्कर की पबारा, काने तीन पड़े नल की हुई पुष्कर की पबारा। हे रानी बांदी फिर तड़पती और हंसों कलारा, एक उड़ ने खड़ा रोवे था वो राजा का हलकारा, एक उड़ ने खड़ा रोवे था वो राजा का हलकारा। और लक्ष्मी चंद ने चामे भर के, लक्ष्मी चंद ने चामे भर के नल की कथा सुनाई, जिसने देता वो परमेश्वर हो देता परमेश्वर हो उसकी सफल कमाई।